हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। सो चैप्टर नंबर टू का हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, एडिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, सो नाउ टुडेज टॉपिक इज एडिशन टू डिजिट नंबर। ये टॉपिक मैंने स्पेशली बनाया है एडवांस और स्मार्ट के बच्चों को साथ में लेके ये स्पेशल वीडियो बनाया है, तो वो टॉपिक मैं छोड़ रही हूँ इस चैप्टर का, मीन्स चैप्टर नंबर टू का। सो पहले चैप्टर नंबर टू पेज नंबर कहा, चैप्टर नंबर टू का पेज नंबर है 26। सो उसमें पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको एडिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक हमारा हो गया है। देन नेक्स्ट एडिशन टू डिजिट नंबर, ये सिंपली टॉपिक है और ये एडिशन के क्लास में मैंने सबको पढ़ाया है ना। सो ये टॉपिक मैं अभी नहीं ले रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? सो नाउ पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 ओपन करो। पेज नंबर 30 में टॉपिक है एडिशन टू डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग। ओके, सो ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, एडिशन टू डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग। ओके, सो सबको पता है एडिशन कैसे करते हैं हम, लेकिन एडिशन सिंपली एडिशन सभी को पता है, लेकिन रीग्रुपिंग मीन्स क्या, मीन्स कैरी करना। आप सभी को सिंपली वन डिजिट टू डिजिट एडिशन आती है कि नहीं, या फिर आप थ्री डिजिट नंबर की भी एडिशन सिंपली कर लेते हो। लेकिन अगर आपको, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, अगर यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। सो पहले टॉपिक हम रीड करते हैं। सेम यहाँ पे दिया हुआ है, सेम यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, तो जो मैं रीड कर रही हूँ वो अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। सो लेट अस रिकॉल एडिशन टू डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग एड 48 एंड 27। हमें क्या करना है, कौन से नंबर की एडिशन करनी है, हमें 48 एंड 27 को हमें ऐड करना है एक दूसरे के साथ। सो हमने टू डिजिट नंबर एडिशन पढ़ा था, तो टू डिजिट नंबर एडिशन करते वक्त आपको उसकी प्लेस भी पता है कि 8 की प्लेस क्या है ना। अगर टू डिजिट नंबर आता है आपको, सिंपली कोई भी नंबर आपको दिया गया, तो उसकी उस नंबर की प्लेस क्या है वो हम राइट करते हैं, देन उसके बाद हम एडिशन सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमें ये भी करना है। रीग्रुपिंग ये चेंजिंग है, मीन्स कुछ चेंज हुआ है ना एडिशन के टॉपिक में, सो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, तो सबको अच्छे से ध्यान देना है। इधर समझ में आया सभी को? सो नाउ स्टेप वन, मैंने जब एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वहाँ भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझा के दिया था। यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रीग्रुपिंग ये टॉपिक समझा के देने वाली हूँ, तो अच्छे से ध्यान दो। समझ में आ रहा है? अच्छे से ध्यान देना है। सो नाउ स्टेप नंबर वन, सो क्या करना है हम स्टेप नंबर वन में, ऐड द नंबर अंडर वंस। हमें अंडर वंस मींस वंस की जगह पे जो यहाँ पे डिजिट है वो हमें सिंपले राइट करने, हमें पता है कि हम तो कैसे बॉक्स में राइट करते, 18 वंस प्लस 7 वंस मींस 8 वंस प्लस 7 वंस। सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है वंस की जगह पे क्या है, 8 एंड 7 वंस की जगह ऑलरेडी मैंने लिखा है। एंड फिर इसकी हमें एडिशन करनी है, 8 प्लस 7 इसको हमें ऐड करना है। सो जल्दी से बताओ, काउंटिंग फॉरवर्ड करो या नंबर लाइन का यूज करके एडिशन करो। चलो बताओ मुझे, 8 प्लस 7, 8 के बाद के 7 नंबर, 8 के बाद 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40 एंड 50। कितना आंसर आता है हमारा, 50। ओके, काउंटिंग फॉरवर्ड की हमने नंबर्स की, 8 के बाद पहले 8 को काउंट किया, देन उसके बाद 7 नंबर हमने काउंट किए। समझ में आ रहा है सभी को एडिशन? ओके, सो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 50 मीन्स 8 प्लस 7 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा 50। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि टीचर आपने यहाँ पे 8 प्लस 7 50 आंसर आया, लेकिन ये तो वन की प्लेस पे तो हम टू डिजिट नहीं लिखते, टू डिजिट नंबर की तो उसके बाद के
एक प्लेस ज़्यादा बढ़ती है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्या क्यों लिखा 15, है ना, क्वेश्चन सभी को आया होगा। देन इसके बाद स्टेप नंबर टू देखो क्या करते हैं हम। ओके, स्टेप नंबर टू में क्या है, रीग्रुप द सम। हमें क्या करना है, सम करनी है इस 50 की। मीन्स अभी देखो 51 आए हमारे, है ना, 51 मैंने यहाँ पे राइट किया। देन अभी 1 की प्लेस क्या है, 1 की प्लेस मीन्स टेंस, टेंस मीन्स होता है 1 की प्लेस। सो 10 वंस आए, है ना, 10 वंस प्लस 5 वंस कितना होता है 110। 10 वंस मीन्स 10 वंस मीन्स क्या होता है 110 होता है। अगर 10 यूनिट को हमने काउंट किया तो 110 बनता है ना, मैंने बताया आपको वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। सो 10 वंस मीन्स 110 प्लस 5 वंस कितना होता है हमारा 50, है ना। स्टेप नंबर टू समझ में आया सभी को, 110 प्लस 5 वंस। अभी स्टेप नंबर थ्री पे आओ। स्टेप नंबर थ्री हमें क्या बताती है वो हम देखते हैं। स्टेप नंबर थ्री है हमारे राइट 5 अंडर वंस, राइट करना है 5 को अंडर वंस में। ओके, देन कैरी ओवर 1 अंडर टेंस। अभी क्या करना है, इस 50 को देखो, हमारा आंसर यहाँ पे 50 आया था, तो इस 50 को हम यहाँ पे राइट करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, किसको कैरी ओवर करना है, देखो आपके बुक में दिया हुआ है 1 को हमें यहाँ से ऐसे कैरी ओवर करना है टेंस की प्लेस पे, यानी कि वंस की प्लेस पे जो 50 थे उसमें से 1 को हमें कैरी ओवर करना है 10 की प्लेस पे। मीन्स ये अगर हमने 2 डिजिट नंबर लिए तो प्लेस हमें पता है कि वंस एंड टेंस, इसकी है वंस एंड इसकी है टेंस, तो फिर हमें इस 1 को 10 की प्लेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना हमें इस 1 को 10 की प्लेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 के प्लेस पे ओनली 1 डिजिट नंबर आता है ना। अगर मैंने यहाँ पे 15 ऐसा का वैसा लिखा 1 की प्लेस पे, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया ना, ये रॉन्ग आंसर है मेरा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 10 की प्लेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो फिर हमारा आंसर करेक्ट आ सकता है। चलो करके देखते हैं। इस 1 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ओके, 10 की प्लेस पे मैंने शिफ्ट कर दिया 1 को। सो फिर यहाँ पे 1 रहेगा क्या, नहीं, ओनली यहाँ पे 5 ही रिमेन रहेंगे, है कि नहीं। सो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस स्टेप में आपने शिफ्ट कर लिया। अभी स्टेप नंबर हम 4 देखते हैं कैसे करना है। ओके, सो ऐड द नंबर्स अंडर टेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हमने 50 को अपने अपने प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। मीन्स 5 को 1 की प्लेस पे लिखा और 1 को 10 की प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 1 था तो इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ओके, सो अभी इसको ऐड करना पड़ेगा हमें, तो वो करके देखते हैं एडिशन। सो क्या करना है, ऐड द नंबर्स अंडर टेंस। मीन्स जो यहाँ पे नंबर है टेंस के अंडर में 1, 4, 2, इसको हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, 1 + 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू 8, है ना। सो तो फिर हमारा क्या आता है, 1 + 2 क्या होता है बच्चों, 1 + 4 कितना होता है, देखो यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, तो 1 + 2 = 3 होता है, 1 + 2 = 3 होता है, तो फिर 4 कितना हुआ, फिर 4 इज इक्वल टू 8। मीन्स सॉरी एक मिनट, 4 + 2 ऐड द नंबर अंडर टेंस, अंडर हमें उसके नंबर को ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फिर पहले हमने यहाँ पे 50 राइट करना है, 50 के 5 राइट करने हैं, देन हमने इसको शिफ्ट किया 1 यहाँ पे, तो कितना आंसर हमारा आता है देखते हैं। चलो 48 + 2 मीन्स 1 + 4
5 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। काउंटिंग फॉरवर्ड करके भी आप ये एडिशन सॉल्व कर सकते हो। सो सभी को समझ में आया कि कैसे हमारा रीग्रुपिंग का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया? ये हो गई थी हमारे स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। अभी हम सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमने ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। मैंने आपको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया कि आंसर कैसे आता है रीग्रुपिंग का। ओके, सो सिंपली मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? अभी हम कुछ वर्ड्स वाले प्रॉब्लम लेंगे। देखो पेज नंबर 31 पे कुछ दिया हुआ है आपको, वन प्रॉब्लम, उसको ध्यान दो। वो समझा के देती हूँ कैसे करना है। ओनली वहाँ पे क्या नंबर राइट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ के बताती हूँ। देयर आर 90 वाइट बटन एंड 46 रेड बटन। मैं पढ़ रही हूँ, आपको भी वहाँ पे ध्यान देना है, पेज नंबर 31 पे है, ठीक है? देयर आर 90 वाइट बटन, 43 रेड बटन एंड 28 येल्लो बटन। हाउ मेनी बटन आर देयर इन ऑल? वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्टली, मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप बताया आपको, अभी मैं डायरेक्टली वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है? सो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 प्लस क्या है ना, येल्लो रेड बटन है 46 प्लस 28। ओके, सो ड्रॉ करते हैं टेबल, टेन्स एंड वंस, हमें इसमें रीग्रुप करना है। ओके, हमें पहले एडिशन का साइन देना है, वो भूलना नहीं है एडिशन का साइन। अभी प्लेस मुझे बताना है, आप सभी को मुझे बताना है कि इनकी प्लेसेस क्या है। देखो अभी मैंने यहाँ पे राइट किया, थ्री नंबर से हमारे पास थ्री डिजिट है यहाँ पे, लेकिन प्लेस कौन सी है, ओनली टेन एंड वंस की प्लेस है, लेकिन थ्री नंबर्स दिए आपको ऐड करने के लिए। ओके, सो पहले ये वंस की प्लेस पे क्या है, 9। देन इधर की वन की प्लेस देखो 6। देन इधर की वन की प्लेस देखो 8, है ना? 9, 6 and 8 वंस की प्लेस पे पहले मैंने वंस वाले नंबर राइट किए। देन अभी 10 की प्लेस पे नंबर राइट करते हैं। टेन्स की प्लेस पे क्या है, पहले 1, सो 1 राइट किया। देन 4, देन 2, सो यहाँ पे मैंने 2 राइट किया। अभी इसकी एडिशन करेंगे हम, क्या करेंगे, एडिशन। अभी उसको रीग्रुपिंग कैसे करते हैं, मींस कैरी कैसे करेंगे उसके आंसर को, वो देखेंगे, ठीक है? सो 9 प्लस 6, 9 के बाद के 6 नंबर ऐड करो, 9, 10, 11, 12, 30, 40 and 50 मीन्स 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 50। अभी 50 के बाद के 8 नंबर काउंट करो, 50 के बाद 8 नंबर काउंट करो, चलो करो। 15 को काउंट कर लिया हमने, 15 के बाद के हमें कितने नंबर ऐड करने हैं, 8 नंबर, मीन्स चलो फिंगर की हेल्प लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मीन्स 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 50 एंड 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। ओके, इसको हमने ऐड करने के बाद, 50 के बाद अगर हम 8 नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 23। अभी देखो हमारा आंसर आया 23। तो हम ये वंस की प्लेस पे लिखेंगे क्या डायरेक्टली? नहीं, हम ओनली वंस की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 को, क्योंकि ये वन की प्लेस पे प्रेजेंट है 3, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 को राइट किया, है ना? अभी 2 की प्लेस क्या है, 10, इसका आंसर हमें आया 23, लेकिन हम 23 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, इनकी प्लेसेस डिफरेंट है, इसकी प्लेस 1 से, इसकी प्लेस 10 से, इसीलिए 2 को हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं इधर और यहाँ पे राइट करेंगे 2, मीन्स इसको 2 को हमने कैरी किया 10 की प्लेस पे, है ना? वंस की प्लेस पे वो आंसर आया था, इसलिए हमने 2 को 10 उसी की जगह पे रिप्लेस कर दिया,
है ना। अगर किसी को समझ में आपके घर में अगर कोई मेहमान आएंगे तो आप उनको अपने ही घर में रखोगे क्या? नहीं, उनको उनके घर जाना पड़ेगा, है ना, उनको उनके घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। हमारे घर में वो रह सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए वंश के घर पे टू का मेहमान रह सकता है क्या? ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसको अपने जगह पे ही जाना पड़ेगा वापस। इसीलिए वंश की प्लेस पे जो नंबर आया था टू, उसको हमने उसके घर में भेज दिया, यानी कि उसके प्लेस पे भेज दिया, है ना। समझ में आया आपको? इसीलिए हमने टू को उसकी प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। अभी हमें क्या करना है? इनकी एडिशन करनी है। तो डायरेक्टली अभी ये सिंपल नंबर है तो आपको डायरेक्टली मुझे आंसर बताना है। ओके, सो 2 + 1 = 3, 3 + 4, 3 के बाद 4 नंबर काउंट करो, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मीन 7 + 2, 7 के बाद के 2 नंबर, 7, 8, 9 मीन्स हमारा आंसर आता है यहाँ पे 9। सो 19 + 46 + 28 + 93। समझ में आया सभी को? ये भी प्रॉब्लम समझ में आया। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिए हुए हैं, मैंने पहले 2 डिजिट वाले भी बताए, है ना। एक्सरसाइज ओपन करो, 432 पेज नंबर में एक्सरसाइज ओपन करो, देन वहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। देखो यहाँ पे दिख रहा है सभी को, पेज नंबर 32। हाँ, सो ऐड, इसको आपको एडिशन करनी, इनकी एडिशन करनी। यहाँ पे 2 डिजिट है, सो यहाँ पे 2 डिजिट वाले हैं फर्स्ट लाइन में, देन टू ही प्रॉब्लम आपको 3 डिजिट वाले दिए, मीन्स 3 नंबर वाले दिए गए हैं। तो मुझे पता है आप सब ये होमवर्क सॉल्व करोगे, है ना, क्योंकि मैंने 2 डिजिट वाला भी एग्जांपल लिया, ये भी समझा के दिया। अभी आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज करनी है ये सॉल्व आपको, और मुझे भेजनी है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज एंड सेंड मी द कॉपी। ओके, थैंक यू।